हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेबल लैम्प का चित्र बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक रेखा खींच लेते हैं जो कि हमने लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी खींची है। अब इसके मध्य से इसी पर लंबवत एक रेखा और खींच लेते हैं जिसकी लंबाई भी लगभग हम इसी के बराबर रखते हैं। इसके बाद देखिए, ये एक वक्र रेखा खींचते हैं ये रेखा जितना इस रेखा से ऊपर जाती हुई हमने खींचा है बिल्कुल ऐसे ही उतना ही नीचे आती हुई एक रेखा खींचेंगे। इन कोनों को देखिए, हम गोल किए दे रहे हैं। शेष बचे हुए हिस्सों को इरेज कर देंगे। अब देखिए, इस बिंदु को केंद्र मानकर और यह दूरी लेकर प्रकार में एक अर्धवृत्त खींचते हैं हम। इसके बाद देखिए, शेष जगह में लगभग इतनी ही लंबाई का इसका पिछला हिस्सा बनाते हैं। इस रेखा के दोनों ओर बराबर होना चाहिए। इस प्रकार इसको मिला देते हैं। यहां पर देखिए, ज्यादा अच्छा लगने के लिए हम थोड़ा सा इस हिस्से को और बाहर निकालते हुए बना देते हैं। यहां पर देखिए, बल्ब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब इन रेखाओं को हम इरेज कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम एक खोखला पाइप बनाते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होता है। इसी कारण लैंप को आवश्यकता अनुसार ऊपर और नीचे मोड़ा जा सकता है। ये थोड़ा सा चौड़ा पाइप होता है जिसके अंदर ये लगा रहता है। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी जुड़ा रहता है ऊपर से। अब देखिए, नीचे हम बेस बनाएंगे जिसकी गोलाई इससे कम नहीं रखेंगे। इसके लिए देखिए, पहले तो हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। इसके ऊपर एक वक्र रेखा खींचेंगे। ऐसी ही एक नीचे रेखा खींचेंगे। इन कोनों को हम गोल कर देते हैं। इन बचे हुए कोनों को हम इरेज कर देंगे। बीच की रेखा को भी अब इरेज कर देते हैं। अब इस बेस की मोटाई बनाएंगे हम, जो कि बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। यहाँ देखिए, नीचे ये रबर लगी होती है। यहाँ देखिए, वायर लगा हुआ है।
और यहां पर एक स्विच लगा हुआ है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज जैसा बना लिया। अब इसके अंदर स्विच लगा हुआ है। इस प्रकार देखिए बच्चों टेबल लैंप का चित्र बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने से पहले थोड़ा सा इसको हम गहरा कर लेते हैं। देखिए बच्चों इसमें छाया प्रकाश दिखाने के लिए हम मान लेते हैं ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है तो नीचे की ओर छाया ज्यादा दिखाई देगी। इसी प्रकार देखिए पहले हल्की हल्की छाया बना लेते हैं। यहां ऊपर की ओर ज्यादा छाया नीचे की ओर कम दिखाई देगी। यहां पर देखिए उस ओर ज्यादा छाया इधर की ओर कम छाया दिखेगी। जब दाईं ओर से प्रकाश पड़ रहा है तो बाईं ओर ज्यादा छाया, जैसे जैसे दाईं ओर आ रहे हैं वैसे वैसे छाया कम दिखेगी। देखिए रबर जो लगी हुई है ये काली है तो ये ज्यादा गहरी दिखाई देगी। इसको हमने ज्यादा काला कर दिया। अब जिस हिस्से पर ज्यादा छाया पड़ती है वहां पर ज्यादा काला कर देंगे। अंदर इस हिस्से पर भी ज्यादा छाया पड़ रही है तो इसको हम ज्यादा काला करेंगे। देखिए बच्चों इस पर जो है कुछ धारियां बनी होती हैं तो इनको हमने बना दिया। देखिए यहां पर भी बाईं साइड में ज्यादा छाया दिखा दिया। अब देखिए बच्चों इसके हम बाहरी लाइनों को थोड़ा और गहरा कर देते हैं ताकि चित्र हमारा देखने में अच्छा लगने लगे। तो इस प्रकार देखिए बच्चों टेबल लैंप का चित्र बनकर तैयार हो गया है। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको भी अवश्य कर लें।